पुलिस का मुखबिर होने के संदेह से एक निरपराध व्यक्ति की माओवादियों द्वारा हत्या करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। किस परिसर की यह घटना है, आइए जानते हैं। गढ़चिरौली जिला भामरागढ़ तहसील के आरेवाड़ा के जग्गू उर्फ जयराम कोमटी गावड़े इस निरपराध व्यक्ति के पुलिस का खबरी होने के संदेह पर से माओवादियों ने हत्या करने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जग्गू उर्फ जयराम कोमटी गावड़े और उसकी पत्नी रासो उर्फ देवे जुरु पुंगाटी दोनों ही सन 2007 से भामरागढ़ दलम में सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें माओवादियों के तकलादू और झूठे क्रांति का पता चला तब दोनों ने ही 7 जुलाई 2017 को गढ़चिरौली पुलिस दल के सामने आत्मसमर्पण किया और हिंसा का मार्ग छोड़कर स्वयं के प्रगति का मार्ग स्वीकारा था। यह दंपति माओवादियों के हिंसा का झूठा और विनाशकारी मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग स्वीकारते हुए खेती कर जीवन जी रहे थे। 25 जुलाई 2024 से 26 जुलाई 2024 के मध्यरात्रि माओवादियों ने जग्गू उर्फ जयराम कुमटी गावड़े इसकी आरेवाड़ा से हिद्दूर मार्ग पर PHC के पास पुलिस का खबरी होने के झूठे संदेह पर से हत्या कर दी। इस हत्या मामले में पुलिस स्टेशन भामरागढ़ में अपराध दर्ज किया गया है और कार्रवाई शुरू है। साथ ही भामरागढ़ परिसर में माओवादी विरोधी अभियान और भी तीव्र किया गया है। CTV के लिए प्रतिनिधि गणेश मुतकुरवार की रिपोर्ट।